मुंब्रा के बिलाल हॉस्पिटल के पास आज शाम करीब 6 बजे के वक्त दो बसों के बीच में एक टेम्पो दब गई। इस हादसे में टेम्पो ड्राइवर बुरी तरह से टेम्पो के अंदर ही फंस गया था, जिसे राहगीरों ने किसी तरह से बाहर निकाला और इलाज के लिए इसे बिलाल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। टेम्पो ड्राइवर का नाम आदिल है, जो मुंब्रा के चरनीपाड़ा इलाके में रहता है। जानकारी के मुताबिक आगे भी एक बस थी और वो बस रोककर पैसेंजर उतारने लगा, तभी पीछे से आदिल अपनी टेम्पो लेकर वहां पहुंच गया और उसके पीछे एक तेज रफ्तार NMMT की बस ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में दोनों बसों के बीच में टेम्पो दब गई, मगर तभी आगे से जो सरकारी बस थी वो मौके से फरार हो गया और राहगीरों की मदद से आदिल को टेम्पो से किसी तरह से बाहर निकाला गया और आदिल के पैर में काफ़ी चोट लगी है। फ्रैक्चर होने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसे बिलाल हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही मुंब्रा पुलिस भी मौके पर पहुंची और NMMT के ड्राइवर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। आगे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल मुंब्रा पुलिस कर रही है।